कंगना रनावत हमारे देश की बेटी हैं और हिम्मत वाली हैं। उन्होंने फिल्मी दुनिया में सुशांत सिंह एक उभरती सितारा थे, लेकिन वो मुझे जो लगता है कि एक जाति विशेष का समुदाय फिल्मी जगत में हावी है, तो वो सोचे कि सुशांत को अगर आगे आएगा तो हम लोग नीचे जाएंगे। तो कंगना रनावत ने एक ड्रग्स माफिया जो फिल्मी दुनिया में एक तरह से छाए हुए हैं उनका खुलासा किया, निर्भीक होकर के, निडर होकर के, और तमाम पहलुओं पर उन्होंने अपनी बात रखी, जिसे सरकार घबरा करके बदले की भावना पर उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। एक सरकार उनको वाई प्लस सुरक्षा दी जो सराहनीय है, और सुरक्षा उनकी जरूरत थी भी। अभी उनका मकान ऑफिस तोड़ना जा रहा है जिसपे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है, तो अखाड़ा परिषद ही नहीं सारे संत महात्मा उनके साथ में हैं। महाराष्ट्र सरकार में कानून का राज नहीं है, एक दूसरे के बचाने में, अपने को बचाने में, किसी को बचाने में वो कुछ भी कर सकते हैं। पाल घर की घटना आप देखिए, संत तुम्हारे दो संत और उनका ड्राइवर, इतनी निर्मम हत्या हुई, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोगों ने भी सीबीआई जांच की मांग की, अभी एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग करने की तैयारी में है, क्योंकि सरकार कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। तो कंगना रनावत हिम्मत से काम लें, और सारे संत महात्मा ही नहीं पूरे भारतवर्ष के लोगों के साथ में हैं, और सही मार्ग चलने वाला व्यक्ति परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता।